नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे लेसन स्टैंडर्ड 7, लेसन 4, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन। आज हम लेसन 4 के बारे में एक्सप्लेन करने वाले। लेसन 4 का नाम क्या है? मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल, यानी कि जो हमारे पुराने जमाने में, इस एंशियंट में जो हमारे देश में जिसने हुकूमत किया, जिन्होंने राज किया, उनके बारे में ही बताना है, मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको मालूम है कि कल ही लेटेस्ट में रिपब्लिक डे गया, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त एंड रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, इन दिनों जो हमारे देश का, हमारे देश की जो राजधानी है वहां पे फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया जाता है, झंडा फहराया जाता है, वो हमारे पूरे देश के लिए होता है। तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, तो दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा जाता है। 26 जनवरी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने न्यूज में 26 जनवरी का परेड देखा होगा कि लोग, हमारे जितने भी डिफेंस हैं, तीनों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन लोगों ने भी अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद अलग अलग स्टेट से झांकी बन करके आई, सच करके आई, फिर उनको जो है प्राइज दिया गया कि नंबर वन पे कौन सी झांकी रही, ये सब चीजें थे। और जितने भी पूरे साल में जिन्होंने बहादुरी का काम किया उनको भी प्राइज दिया गया, जिन्होंने बॉर्डर पर लड़ते हुए अपने आपको कुर्बान कर दिया, यानी कि शहीद हो गए, उनके भी लोगों के, उनके परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया गया। और जो बहुत अच्छा डिफेंस में काम किए, वीर कहलाने के लायक हुए, उनको भी प्राइज दिया गया। ये सब आप लोगों ने वहां देखा ही होगा। वहां देखने के बाद जो है आपको पता चल ही गया होगा कि क्या 26 जनवरी के दिन किस तरह से पूरा देश 26 जनवरी को मनाता है। और पूरा देश में वो जो दिल्ली है, हमारे देश की राजधानी, वहां पे कितना बड़ा कार्यक्रम होता है। तो यही कार्यक्रम जो है इंडिपेंडेंस डे, जो हमारे 15 अगस्त जो हमारे जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और 26 जनवरी उस दिन हमारे देश में संविधान लागू किए गए थे, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन लगे। 26 जनवरी को हम इसीलिए रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है हमारे देश के जो रूल्स हैं, ये जो सरकार थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ये सब जो मिनिस्ट्री से हुआ है, जो पूरे देश को अलग अलग भागों को संभाल रहे हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने जो है मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अलग हर एक देश के अलग अलग मेयर हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग मेयर हैं, तो ये सारे जो है देश को संभालने में काम कर रहे हैं। तो ये सारा, ये चीज का जो है स्टार्टिंग 26 जनवरी 1950 से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 3 साल के बाद ये संविधान स्टार्ट हुआ कि किस तरह से हम किस भाग में सबको विभाजित कर दे, डाइवर्सिटी कर दे, ताकि हमारा देश सुचारू रूप से चले। तो यही चीज जो है, उसने एक बच्चा है जिसके बारे में बताया गया है कि वो प्रतीक है, प्रतीक जो है 15 अगस्त को वो देखता है, नेशनल
फ्लैग होस्टिंग होता है और बीइंग अनफरेड एज अ रेड फोर्ट में होता है, तो वो टीवी पे देखता है ये सारी बातें। फिर उसके बाद वो जब इस दूसरे दिन स्कूल पहुंचता है नेक्स्ट डे, तो क्लास टीचर को इसके बारे में बताता है और इसके बारे में कि रेड फोर्ट में ये कार्यक्रम हुआ है और मैं ये रिकॉर्ड किया हूँ, डाउनलोड किया हूँ, तो टीचर मैं ये दिखा दूँ बच्चों को। तो रेड फोर्ट के बारे में एज वेल एज पिक्चर्स ऑफ द अदर आर्किटेक्चर, यानी कि जो एंशियंट काम है, आर्किटेक्चर वाले काम जो है, एंशियंट वाले काम है, वो सारे मूवमेंट को कैद करके लेकर आया था फ्रॉम द इंटरनेट से और शोड देम द स्टूडेंट, अपने क्लास के बच्चों को वो दिखाना चाहता था, तो क्लास के बच्चों को उसने दिखाया। और उसके बाद जो है वो सारे पिक्चर्स देख रहे थे, वो भी बहुत एक्साइटेड थे ये सारे पिक्चर्स को देख करके। तभी टीचर्स ने उनको बताया कि टीचर्स ने उन मोमेंट्स के बारे में बताया और उसके बाद उनका कंस्ट्रक्टेड और ड्यूरिंग दिस मुगल पीरियड और मुगल पीरियड के बारे में बताना शुरू किया। यानी कि हमारे देश के जो पहले जो ब्रिटिश शासन से पहले जो मुगल शासक थे उनके बारे में बताना उन्होंने शुरू किया। क्या बोला कि दिल्ली वॉज अंडर द इब्राहिम लोदीज, दिल्ली किसके, इब्राहिम लोदी के अंडर में था, रूल ड्यूरिंग द टाइम बाबर, बाबर रूल इन काबुल। उस समय हमारा देश हिंदुस्तान था, यानी कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी हमारे देश में उस समय इन्वॉल्व था। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है दोनों मिलकर के हिंदुस्तान बनाए थे, तो ये काबुल जो है वो पाकिस्तान में है। तो बाबर का जो रूल था, बाबर का जो शासक था, शासन था, वो काबुल में था, अफगानिस्तान में था। बाबर वॉज द रूलर ऑफ द मुगल डेंसिटी। सबसे पहले बाबर जो है मुगल डेंसिटी के जो है रूलर बने। ही अटैक दिल्ली, उसने दिल्ली पर अटैक किया, कब, 1526 CE। इब्राहिम लोदी वॉज डिफेटेड बाय बाबर, वो उसे डिफेटेड हुआ, हार गया। एंड एज वेल एज इक्विप्ड आर्मी, उनके जो सैनिक थे, विच हैड कैनून कानून, जो इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो इसको बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, जो ये इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी डिफेटेड हो गया, तो इसको जो है बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। दिस बाउट एंड एंड ऑफ द सुल्तान एज, इससे जो है सुल्तान एज एंड एंड द एस्टेब्लिशमेंट द मुगल रूल, सुल्तानों का जो है राज खत्म हुआ, अब उसके बाद मुगल का राज शुरू हुआ। इन द बिगनिंग द मुगल रूल्ड नियर दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली के पास ही मुगल रूल जो है स्टार्ट हुआ है। बाबर वॉन मेनी बैटल, बाबर ने बहुत ढेर सारे युद्ध को जीता है। एंड हिज डिकेंडेंस ग्रेजुअली एक्सटेंड, और धीरे धीरे वो अपने राज को एक्सटेंड करता चला गया, बढ़ाता चला गया। दूसरे दिल्ली के बाद जो है उसने यूपी में जो है अटैक किया, वहां के राजा को लिया, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद मेवाड़, फिर उसके बाद आगे आगे डेंसिटी को अपने बढ़ाते चले गए, एस्टेब्लिश एक्सटेंड करते गए अपने एम्पायर को। लेट अस लर्न अबाउट इंसिडेंट दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द मुगल, अब हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द मुगल के समय क्या क्या जो है इंसिडेंट्स हुए, और मुगल एज एंड नो मोर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम, और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे उस समय हमारे देश में किस तरह का लाइफ था। सबसे पहले मेन इवेंट्स ऑफ द मुगल डेंसिटी, सबसे पहले हम मेन इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बाबर है, हुमायूं है, शेरशाह है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बाबर का काल दिया हुआ है कि बाबर 1526 से लेकर 1530 तक जो है उसने अपने एम्पायर को जिया। ना इन 1527 ही फाउट अ बैटल विद द ब्रेव राणा सांगा, बहादुर राणा सांगा के साथ उनका फाउट हुआ एट कर्णम, इन विच बाबर डिफीटेड, इसमें बाबर हार गया। हिम एज ए आर्मी वॉज इक्विपेटेड विथ कनूज। इन 1530 बाबर फेल इल एंड डेड,
1530 में बाबर बीमार पड़ा और उसकी डेथ हो गई। ही फाउंड मेनी बेटर टू बे लेयर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। उन्होंने मुगल एम्पायर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा एंड द गैंग कंट्रोल ओवर द एरिया चारों तरफ कंट्रोल किया। न्यू दिल्ली एंड आगरा ही इमर्ज विक्टोरियस इन द मोस्ट ऑफ द बैटल्स। बहुत ढेर सारे बैटल्स को उन्होंने जीता और अपने एम्पायर को आगरा तक, दिल्ली से आगरा तक आगे बढ़ा लिया। लेकिन वो उस समय किससे उनका जो है बैटल हुआ, उनका युद्ध किससे हुआ, राणा सांगा से, ब्रेव राणा सांगा। ये मराठा, ये मेवाड़ के जो है राजा हैं, यानी कि मुगल और मेवाड़ में बहुत पहले से ही जो है बैटल्स होते रहे। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता ही है ना कि राणा प्रताप अकबर के बारे में एक महाराणा प्रताप सीरियल आता जिसे फैजल खान महाराणा प्रताप बना था। फैजल खान के बारे में जानते हो, जो बहुत बड़ा डांसर है, तो उसका पूरा सीरीज जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में बना था। कैसे महाराणा प्रताप और उनके बीच में दोस्ती हुई और उसके बाद धीरे धीरे वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई और अकबर पूरी तरीके से महाराणा प्रताप पर हावी होता चला गया। अब उसके बाद हुमायूं आया, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है। एंड हुमायूं एसेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर। बाबर के बाद हुमायूं जो है अकॉर्डिंग टू हिज फादर द किंगडम, वो अपने फादर के किंगडम को, राज्य को वॉज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ द ब्रदर अपने ब्रदर में बांटना चाहता था। इनहेरिटेड वन प्रोविंस ऑफ द रिटेन ऑफ दिल्ली, दिल्ली को वो बांटना चाहता। हुमायूं हैड अ स्ट्रगल अ लॉट ऑफ अगेंस्ट हिज ब्रदर करमन और द अफगान। हुमायूं ने जो है मतलब भाई भाई में बोलते हैं ना, भाई भाई में जो है प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा होता ही रहता है, तो यहाँ पे भी भाइयों की वजह से उस प्रॉपर्टी यानी कि जो उनका बाबर ने जो अपना राज इकट्ठा किया था, राज बनाया था, उस राज में हुमायूं और उसके भाई कमरन ऑन द अफगान, ये दोनों जो है वो थॉर्न बने हुए थे, कांटे बने हुए थे और वो उसको राज नहीं करने देना चाह रहे थे। तो उन्होंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया उनके अगेंस्ट। एंड हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस ऑफ शेरशाह, हुमायूं जो है दो बार जो है शेरशाह से हारा। एंड ही हैड टू स्केप फॉर 15 ईयर्स इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अपने लाइफ को 15 साल से ज्यादा वो सेव नहीं कर पाया। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बॉर्न इन द पैलेस ऑफ द किंग अमरकोट, उसी समय हुमायूं का बेटा जो है अकबर वो पैदा हुआ। यानी कि बाबर हुमायूं का पिता था, हुमायूं का पिता बाबर था, ठीक है, और अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा, यानी कि तो उस समय उसका अकबर का जन्म हुआ है। और अकबर हुमायूं रिजाइन दिल्ली, उसने फिर रिजाइन कर दिया दिल्ली के राज पर एंड फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ शेरशाह, क्योंकि शेरशाह जो है वो उसको दो बार हरा चुका था, यानी कि उसने उस तरह से राज, जो हार जाता था ना, जो राजा वो हार जाता था वो राज अपना उसको, जो उसके ऊपर आक्रमण करता था उसको राज मिल जाता था, उसी तरीके से शेरशाह हुमायूं से हार गया तो दिल्ली पर राज शेरशाह करना शुरू कर दिया। अब शेरशाह के बारे में, शेरशाह 1540 से लेकर 1545 तक उसने राज किया, यानी कि सिर्फ 5 साल, 1540 से 1545। शेरशाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर, कौन था वो, एक अफगान लीडर था, हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ओन, वो अपने आप आगे बढ़ा था। He defeated Humayun twice and therefore established the Sir density in Delhi. वो दो बार हुमायूं को defeated करा दिया और उसके बाद जो है वो establish कर दिया Sir density of the Delhi. सुर
आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली, जब दिल्ली पर कंट्रोल कर रहा था, ही वॉन मेनी अदर इम्पोर्टेंट बैटल, वो बहुत ढेर सारे बैटल्स को वॉन किया, जीता. एंड ही वॉन मेनी आफ्टर इम्पोर्टेंस बैटल्स एंड ही देन ही एक्सटेंड हिज एम्पायर, और उसके बाद अपने एम्पायर को आगे की आगे बढ़ाता चला गया. फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा, ही इज नोन एज रिफॉर्मर इज हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के बाद का रिफॉर्मर भी माना जाता है. आफ्टर शेरशाह द मुगल डेंसिटी वॉज री एस्टेब्लिश इन दिल्ली, शेरशाह के बाद फिर मुगल शासक री एस्टेब्लिश करने के लिए काफी टाइम लिया. देन अब आया अकबर, अब शेरशाह के बाद कौन बैठेगा, अकबर बैठेगा. अब अकबर 1556 से लेकर 1605 तक उसने अपना दिल्ली पर राज किया, दिल्ली पर राज किया. अकबर वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, तो वेन हिज फादर ह्यूमन पास्ड अवे, सॉरी हुमायूं पास्ड अवे, मतलब जब 13 साल का अकबर था तभी उसके पापा पिताजी गुजर गए, मर गए. अकबर वॉज वेरी यंग एंड सो बैरम खान अ फेथफुल मिनिस्टर ऑफ हुमायूं, हुमायूं का सबसे बड़ा जो है फेथफुल मिनिस्टर था बैरम खान. बैरम खान उसको जगह जगह समय समय पर उसको सही रास्ता दिखाता था, उसी रास्ते पर अकबर चलता हुआ बहुत बड़ा मुगल एम्परर बन गया. ब्राउड हिम अप एज गार्जियन एंड टुक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकबर्स बिहाफ. बैरम खान जो है, क्योंकि अकबर 13 साल का था तो राजगद्दी पे बैठ नहीं सकता है, तो इसके लिए बैरम खान को उनके लिए गार्जियन के लिए चुना गया, और वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के प्रशासन को दिल्ली को पूरे एडमिट करने लगे और अकबर की जगह पर. लेकिन अकबर हेमू द लैंड लीडर ऑफ द सिकंदर, हेमू जो है श्री सिकंदर का लीडर था, सर एस्टेब्लिशमेंट हिज रूल ओवर दिल्ली व्हेन अकबर वाज इन पंजाब, जब अकबर पंजाब में था तो उस समय जो है हेमू जो है वो लीडर ऑफ सिकंदर का लीडर था, उसने एस्टेब्लिश किया और उसके आगे उसको आगे बढ़ा. व्हेन अकबर वाज पंजाब विद द गार्जियंस ऑफ द बैरम खान, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, फिर से अकबर जो है डिफीटेड हुआ हेमू से इन पानीपत में. सिंस बैरम खान बिकम मोर इंडिपेंडेंट, अकबर सीज्ड अवे ऑल हिज पावर एंड सेंट हिम फॉर हज. सिंस काफी दौर के बाद बैरम खान जो है बिकम मोर इंडिपेंडेंट, बैरम खान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट, अकबर सीज अवे उसको पावरफुल पावर दे कर और वो हज पर चला गया. ही वॉज किल्ड ऑन द वे ऑफ हज, और उसके बाद अकबर जो है वो वहाँ पे अकबर एनेक्स्ड चित्तौड़ एंड रणथंभौर इन द बैटल अगेंस्ट राणा प्रताप. अकबर जो है चित्तौड़ के राजा और रणथंभौर के राजा राणा प्रताप से जो है बहुत फ्रिक्वेंटली बैटल वर्क आउट बिटवीन देम, दोनों के बीच में बहुत बैटल हुआ, बहुत लड़ाई हुई. अकबर एम्पायर एक्सचेंज, अकबर अपने एम्पायर को एक्सचेंज करना चाहता था ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन पीरियड में बिटवीन 1585 टू 1605 तक. सी ही एनेक्स्ड खंदर कश्मीर काबुल एंड एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर खंदेश अहमदनगर इन द साउथ, ये सारी जगह उन्होंने अपने जो है अपने आप को झंडा गाड़ा जो जीत का और ये सारी जगह उन्होंने कवर कर लिया. देयर वर लॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ अकबर एज द प्रिंस सलीम, अब अकबर का बेटा प्रिंस सलीम रिवॉल्ट
लेटर ऑन सलीम अडेप्टेड द नेम जहांगीर एंड एसेंड द थ्रोन. वी हैव ऑलरेडी गैदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंस रूलर एंड मुगल डेंसिटी लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर एंड द शेर शाह सूरी ऑफ द सर्टेन डेंसिटी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस नो अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इनके बारे में सारे रिलीजियस डेंसिटी के बारे में आपने जान लिया कि ये डेंसिटी कौन कौन थे और इनके समय काल क्या क्या थे, कौन किससे हारा और कौन बार बार दूसरी गद्दी पर बैठा, उसके बारे में जानकारी ले ली. अब क्या है रिलेशन ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स. रूलर्स अदर रूलर्स यानी कि जो अलग थे उनसे उनके रिलेशंस कैसे थे मुगल्स के, उनके बारे में बताया जाएगा. व्हेन हुमायूं वाज स्कैल्प्ड व्हेन इवन द हिंदू रूलर गेव हिम शेल्टर. जब हुमायूं फैला रहा था अपने राज्यों को तो ही व्हेन द हिंदू रूलर गेव हिम शेल्टर, हिंदू रूलर जो थे वो उनके नीचे शेल्टर यानी उनके छत्र छाया में आए. देयर फॉर देयर कल्चर वॉज रिफ्लेक्टेड, जिससे उनका कल्चर रिफ्लेक्टेड हुआ इन द एब्रेनिंग ऑफ अकबर. ही टुक द हेल्प ऑफ हिंदू रूलर व्हेन ही एसेंड द थ्रोन. ही न्यू दैट वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ वी इग्नोर द राजपूत रूलर्स. तो देयर फॉर ही मेंटेन गुड रिलेशंस विद द राजपूत rulers and the won their confidence. And the ruler who did not accept his authority had to face him. The ruler of Sisodia Rajput did not accept his rule and had many confrontation with him. Yani ki in sab ke bare mein wo जानकारी प्राप्त कर किए और उनके साथ उनको उनका व्यवहार भी अच्छा रहा. काफ़ी दिनों तक उनका मुगल का जो है मेवाड़ के साथ व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन जब अकबर आया और अकबर आने के बाद वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और फिर उसने जो है राणा प्रताप, महाराणा प्रताप अकबर से ही आ रहा. अब है ट्रेडिशनल और इनहेरिटेशन. The king was responsible for adopting the successor of the kingdom. हर जगह जो है king ही responsible person है. Tradition और inheritation ये हम next videos में पढ़ेंगे.